नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम जो ब्लड रिलेशनशिप है उसमें टाइप वन हमने खत्म किया, टाइप सेकंड में हम काम कर रहे हैं। तो टाइप सेकंड है पजल रिलेशनशिप, उस पे काम कर रहे हैं। जो भी रिलेशन होगा तो उसे एक पजल के रूप में पहेली बना करके दिए जाएंगे कि ए बी का पिता है, बी सी की माँ है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर फाइनली हमसे पूछा जाता है, किसी एक का संबंध देकर के दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, जितने क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ लूंगा दोस्तों, और जल्दी से जल्दी सिलेबस भी करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, पास आके बोल देता हूं थोड़ा क्लियर आएगा, इंग्लिश में है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ डी, डी इज डॉटर ऑफ ई एंड बी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। हिंदी में है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, डी ई की पुत्री है तथा बी डी की बहन है, ई का ए से क्या संबंध है, या फिर ई ए का कौन है या ई ए की कौन है, इस तरीके से लैंग्वेज बना रखी है। ऑप्शंस हैं डॉटर यानी पुत्री, मदर यानी माँ, फादर यानी पिता और नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बहुत आसान सी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मैं फटाफट करूंगा आप क्वेश्चनों को, क्योंकि जो डिस्कशन करना था, जो कंसेप्ट वाइज डिस्कशन था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे आपको लैंग्वेज दी जाती है, ठीक है, उसी तरीके से आप चलते रहें। जैसे इसने रखा है ए बी का भाई है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, ए है। अब आप ये देखिए, दो ही बातें होती है, संबंध किसका बताया जा रहा है, ए का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, बस, ठीक है। तो ए जो भाई कौन है दोस्तों, ए है, किसका भाई है, बी का, ठीक है। तो भाई के केस में हम जितने भी भाई होते हैं दोस्तों, वो सब मेल होते हैं और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन का यूज किया मैंने, किसका भाई है, भाई बी का। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है सी डी का पिता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी जहां पर कहीं कोई लिंक ही नहीं मिलेगा आपको, तो आप क्या करें कि जो स्टेटमेंट है उनको अलग से बना करके, एक तरीका तो ये होता है कि आप अलग से बनाए उनको, एक तरीका ये होता है, देखिए दोस्तों एग्जाम में जो होता है टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, तो आप उस स्टेटमेंट को पकड़िए जहां से लिंक हो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, आप कब तक लिखते रहोगे, आप सिर्फ उस स्टेटमेंट को पकड़े जहां से ए या बी से लिंक हो जाए। हो ए या बी से लिंक कब होगा, जब वो ए या बी स्टेटमेंट में आएगा, सिंपल सी बात है। तो ए या बी जिस स्टेटमेंट में अवेलेबल है उसे पकड़िए, ठीक है। हर किसी को ऐसे करने की जरूरत नहीं है बार बार, जैसे सी डी का पिता है, सी पिता है डी का, डी ई की पुत्री है, ये पुत्री है किसकी, ई की। अब ये इसका पिता है, सी ई की पुत्री है, तो ये पिता पति पत्नी हो गई, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूं, ठीक है। आप सिर्फ सीधे सेंटेंस को देखिए और उसके जो लिंक से संबंधित सेंटेंस है उसको पकड़िए, ठीक है। जैसे यहां सी डी का पिता है, कहीं भी ए या बी नहीं है, मतलब इसे लिंक नहीं हो सकता है। डी ई की पुत्री है, ये भी कहीं भी इसमें, इस सेंटेंस में ए या बी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी लिंक नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत आसान सी बातें हैं, तथा बी डी की बहन है, ठीक है। यहां देखिए, यहां से लिंक हो सकता है कि जो बी है वो डी की बहन है, बहन कौन है, बी, किसकी बहन है, डी की, तो यहां से लिंक हो सकता है, बहन बी है और ये डी की बहन है,
ठीक है, अब पूछा है ई ए का कौन है, तो हमारे जो दो स्टेटमेंट छूट गए हैं ये कहीं ना कहीं लिंक होंगे। अब ऐसा स्टेटमेंट देखिए जहां डी हो, डी इन दोनों में ही है। इसने कहा है कि सी जो है वो डी का पिता है, तो दोस्तों जब सी है वो डी का पिता है मतलब जितने भी फादर होते हैं दोस्तों वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। माता पिता या हमारे से बराबर वाले, सॉरी माता पिता या हमारे से एक पीढ़ी ऊपर के लोग जैसे चाचा चाची ताऊ ताई फूफा बुआ मौसा मौसी मामा मामी, ये सब हमारे से एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से लगा दर्शाते हैं कि नीचे खुद को रखते हैं और ऊपर किसी ऊपर उनको रखते हैं जो हमारे से एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों सी है वो डी का पिता है, ठीक है, तो पिता कौन है दोस्तों सी, तो सी पर पॉजिटिव साइन आ गया। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि आप इनको लिंक कीजिए, ऐसे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों, ठीक है। कोई सोचे कि ऑटोमेटिक आ जाएगा और हलवा हो जाएगा तो एक सेकंड में क्वेश्चन कराते हैं यूट्यूब पर लो, तो ऐसे नहीं होते दोस्तों, ठीक है। आप कंसेप्ट को जब तक कोई नहीं बताएगा तो आप चाहे मैं कहता हूँ 1000 क्वेश्चन कर लो एक चैप्टर के, वो कराते रहेंगे और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे, दर्शक बन के रह जाओगे, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दर्शक आप देखिए क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट देखने से थोड़ी खेला जाता है क्रिकेट भाई, जो प्रैक्टिस करेगा वही तो खेल पाएगा, ठीक है। बस एज इट इज चीज यहां पर है, हम क्या करते हैं यूट्यूब पे लग चल रहे हैं भाई, 15,000 लोग लाइव देख रहे हैं, 20,000 लोग लाइव देख रहे हैं, वो खुद किए जा रहा है क्वेश्चन, बता कुछ रहा नहीं है, ठीक है, कभी दो बाल इधर फैला लिए कभी दो बाल इधर फैला लिए, ठीक है, कभी ये बटन खोल के दिखा दिया आपको आप खुश, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इनसे बचिए दोस्तों, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा आप जो वहां से पढ़ी जहां से कंसेप्चुअल चीजें हो रही हैं, ठीक है, जहां से आपको कुछ गेन हो रहा है। मैं आपको जैसे ये बता रहा हूं कि जैसे आप इस स्टेटमेंट को ना पकड़े, इसको भी ना पकड़े, यहां इसी को क्यों पकड़े इसका भी मैंने रीजन बताया कि इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, बी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हर जो क्वेश्चन होता है हमारा अलग होता है, उसमें कुछ ना कुछ बातें बताई जाती है, ठीक है, जहां से आप एग्जाम में जल्दी हिट कर सकते हैं क्वेश्चन को। भाई यहां से मैंने लिंक किया, फिर ये लिंक होता चला जाएगा, सी डी का पिता है, डी ई की पुत्री है। अब देखिए दोस्तों पुत्री कौन है, ई है, सॉरी सी डी की पुत्री है, तो पुत्री कौन है, डी है। जितनी भी पुत्रियां हैं दोस्तों वो सब फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। किसकी पुत्री है, सी की, सॉरी इसकी ई की। अब देखिए दोस्तों इसकी पुत्री है कौन, ई की पुत्री है कौन, डी, और डी का पिता है सी। देखिए ये होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, इसने सिर्फ ये कहा है, इसने ये नहीं कहा कि, कहने को ये भी कह सकता था कि ये ई जो है ये डी की माता है, बोल सकता था, लेकिन इसने बोला नहीं। ये चीजें आपको खुद को निकालनी पड़ेंगी भाई। जब ये एक बात बताओ, जब से ये डी, ये जो सी है ये इस डी का पिता है, और जो डी है ये ई की पुत्री है, तो दोस्तों जो डी सी और ई, ठीक है, तो सी और ई में रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, आप खुद सोचिए, वो पति पत्नी के होंगे, ठीक है। जब ये इसका पिता है और ये इसकी क्या होगी दोस्तों, माता होगी, तो ये पति पत्नी के रिलेशन होंगे। पत्नी के केस में ही हम सिर्फ और सिर्फ पत्नी के केस में ही डबल बोर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, ये इसकी भी पुत्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये हमारा डायग्राम हो गया तैयार, बस अब चाहे जो पूछिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछना बड़ा चीज नहीं है, मैं फिर बात बता रहा हूं आपको, आप इस अगर बात को समझ पा रहे हैं बहुत गंभीर बात है दोस्तों, क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। आज वो ई ए का पूछा है, आज पूछा है उसने ई का ए के साथ क्या संबंध होगा, कल पूछ लेगा ई का बी के साथ संबंध क्या होगा, फिर पूछ लेगा सी का ए के साथ संबंध क्या होगा, सी का बी के साथ संबंध क्या होगा। क्वेश्चन पूछना बड़ी बात नहीं है, आपको कंसेप्चुअल यहां तक बनाना सबसे बड़ी चैलेंज है, ठीक है, ये जो डायग्राम फ्लो करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी ये पूछना तो क्या है, आज ई का ए के साथ पूछा है, कल को बी के साथ पूछेगा, परसों डी के साथ पूछेगा, ठीक है।
इसको मत देखे, आप तो ये देखे कि ये आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, आपने पॉजिटिव साइनिंग क्यों लिया, यहाँ निगेटिव साइनिंग क्यों लिया, डबल बोर्ड क्यों लगाया, आपने डंडी ऊपर ही क्यों ली, लेटा भी सकते थे। ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक नहीं होगा, ठीक है। और इसी का ही टाइम लग रहा है इस चैनल पर, ये मानना आप, ये जो चैनल है इस पर तो टाइम लग रहा है वो इसी बात का ही लग रहा है भाई। थोड़ा सा कैमरा क्यों मैं सेंटर में लेता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार कोई तो हो जो यूट्यूब पर पूरा सिलेबस कराए, फुल डिटेल के साथ कराए। अभी तक क्या है कि मैंने बड़े बड़े जो एजुकेटर्स हैं उनके भी देखे हैं वीडियो, कहीं भी पूरा सिलेबस नहीं डाला गया है, कहीं भी, कहीं कुछ डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया। एक सिस्टमेटिक वे में जो सिलेबस है वो नहीं कराया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना मेरे पास समय है वो निकाल करके आपके लिए एक सिस्टमेटिक वे में पूरा सिलेबस डाल दूं मैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी गरीब छात्र है, देखिए इसमें पैसे वाला जिसको जिसके पास पैसे हैं दोस्तों, वो तो पैसे देकर ही कोर्स खरीदेगा, ठीक है, या फिर ऑफलाइन में जाके पैसे देगा वहां से पढ़ेगा। इस चैनल पर तो सिर्फ वो गरीब लोग पढ़ेंगे, मतलब गरीब तो क्या, मतलब जो जिनके पास सोर्सेज कम है, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो मेट्रो सिटीज में नहीं जा सकते, उनका खर्चा वह नहीं कर सकते 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और एक क्वालिटी एजुकेशन गांव में होती नहीं है दोस्तों, ये कन्फर्म है। जैसे आसपास के इलाके में हम देखें तहसील वाइज या कस्बे वाइज, तहसील स्तर पर भी इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर वो लैग करेंगे लड़के। मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम उनका नुकसान ना हो बस, इसलिए मैं डाल रहा हूँ चीजें। और कोई बात नहीं है भाई, कोई कुछ कहे मुझसे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कह रहे हैं व्यूज तो है नहीं, ठीक है व्यूज तो है नहीं आपके, तो भाई वो व्यूज वगैरह वो सब है तो वो एक चमक धमक है, आप भी जहाँ व्यूज है वहां पढ़ लीजिए, मैं तो ये कहूंगा। अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है कि जो मैं पढ़ाऊँ उसको बढ़िया से पढ़ाऊँ और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाऊँ, ठीक है। सारी चीजें कंसेप्चुअल है, कहीं भी कुछ भाई प्लस क्यों आएगा, माइनस क्यों आएगा, डबल बॉन्ड क्यों आएगा, ये लेटा हुआ क्यों आएगा, खड़ा क्यों आएगा, हर चीज का कंसेप्ट क्लियर, ये सब बना है इसी से, ठीक है। अब इसमें रटने की कहां जरूरत है, ठीक है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी है आप बना जाओगे। अब इसने ये पूछा है दोस्तों ई ए का कौन है, तो दोस्तों ई कहां पर है, ये रहा, ए कहां पर है, ये रहा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां खुद को मानता हूं, मान लो मैं यहां सोचता हूं कि मैं खुद बैठा हूं, तो ये इसकी क्या है दोस्तों, बहन है, इसके रेस्पेक्ट में रिलेशन देख रहे हैं दोस्तों, बहन है। अब कल को वो पूछ लेगा ए का बी के साथ क्या संबंध है, तो बहन का संबंध है, तो इसने दे भी रखा है, वैसे पूछ सकता है दोस्तों, इसने सिर्फ ये बोला है कि ए बी का भाई है, कल को वो पूछ सकता है ए का बी का ए के साथ क्या रिलेशन है, बी का ए के साथ क्या संबंध है, तो बी दोस्तों क्या होगी, बहन का संबंध आएगा, ठीक है। ये इसकी बहन है, ये भी इसकी क्या है दोस्तों, इसकी ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये भी बहन है। अब जब दोस्तों ये बहन है, दो बहनें हैं इसकी, और ये जब डी का पिता है सी, तो इसका भी पिता होगा, ए का भी पिता होगा। जो दोस्तों अगर ये जो डी है ये पुत्री है किसकी, ई की, तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो ये इसकी भी माता होगी, ठीक है। तो ई का, अब आप देखिए दोस्तों संबंध किसका बताना है, ई का, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, ए के रेस्पेक्ट में, जिसका भी संबंध बताना है उसकी तरफ एरो को घुमाइए, ठीक है। अब ई का ए के साथ क्या संबंध है, बहन, क्या है दोस्तों, मां, जिसको हम मदर बोलते हैं, जो भी ऑप्शन मदर है वो हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये जो इस जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो लैंग्वेज हमसे पूछी गई है, पहले आप ये देखिए इसके हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा और वो सही होगा, ठीक है। इतनी सी बात है भाई, ई का ए से क्या संबंध, आप ये देखिए संबंध किसका पूछा जा रहा है, ई का, किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक ही संबंध, एक ही रेस्पेक्ट में दोस्तों क्या संबंध आ रहा है, माता का, मां का, मदर, ठीक है। अब ये तो है क्वेश्चन की बात, कल को देखिए दोस्तों अलग अलग लैंग्वेज आ सकती है, मैं बोल के बताता हूं आपको,
कर्म को अगर ये कह देता है कि सी का ए के साथ क्या संबंध है तो पिता हो गया, सी का बी के साथ क्या संबंध है दोस्तों तो पिता है भाई। जब ये डी का पिता लगता है तो बी का भी पिता लगेगा और ए का भी पिता लगेगा, क्योंकि ए बी और डी के आपस में भाई बहन है, ठीक है। कल को दोस्तों अगर ये पूछता है कि ई का बी के साथ क्या संबंध है, लैंग्वेज को पकड़ना, हाउ इज ई रिलेटेड टू, ये जो है ना दोस्तों रिलेटेड टू, इसके जो पहले आ रहा है इसका संबंध बताया जाता है किसके रेस्पेक्ट में, इसके जो बाद आता है उसके साथ, ठीक है। का के की इनके जो, अब देखिए इसने जो लैंग्वेज इस तरीके से फ्रेम की है, बाकी अगर वो करता तो ई का ए से क्या संबंध है, तो का के की से जो भी पहले आता है उसका संबंध बताया जाता है इसके बाद आने का के जो बाद आता है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। बहुत आसान आसान सी बात है। अब दोस्तों जैसे ये पूछ लेता है कि ई का बी से क्या संबंध है, हाउ इज ई, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखना आप लोग, ठीक है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो जो ई है दोस्तों वो बी की क्या लगी, मां लगी। अब इन्हीं चीजों को देखिए हम रिवर्स लेते हैं, ये तो मैक्सिमम रिलेशन है जो पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या संबंध है, बहन का संबंध है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है, बहन का संबंध है, सिस्टर का, ठीक है। और क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है अगर इसका रिवर्स देखा जाए दोस्तों, ठीक है। रिवर्स मतलब अगर वो पूछे हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, संबंध किसका बताया जा रहा है दोस्तों, ए का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, सी के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, तो जिसका संबंध बताया जा रहा है उसकी तरफ एरो चलाइए, ठीक है। जैसे आपको से क्वेश्चन मान लो ये आता है कि ए का सी से संबंध, तो दोस्तों ए का सी के साथ हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो दोस्तों ये क्या लगा देखिए, ये इसकी पुत्री है डी और ये इसकी बहन है, बहन का भाई है, तो ऑब्वियसली ये भी इसका क्या लगेगा दोस्तों, पुत्र लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, ये लगेगा इसका पुत्र। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी मतलब ए का सी से क्या संबंध है दोस्तों, पुत्र का संबंध होगा, सन का, ठीक है, एस ओ एन सन, ठीक है। इसी तरीके से वो पूछ सकता है किस बी का सी से क्या संबंध है, तो ये भी क्या होगी दोस्तों, इसकी क्या होगी, पुत्री, क्या होगी भाई, पुत्री आएगी, ठीक है। देखिए हर चीज लिखी नहीं जा सकती दोस्तों, क्योंकि मेरे पास देखिए थोड़ी संसाधनों की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उसके माध्यम से ही हम सिलेबस करेंगे, ठीक है। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो हम कुछ और ऐड कर रहे होते, पहले से टाइप करके ले आते, ठीक है। तो यहाँ देखिए इतना संभव नहीं है, बाकी मैं समझाने में विश्वास रखता हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए दोस्तों। जो सिलेबस मैं करा दूंगा, जो चैप्टर मैं यहाँ से करा दूंगा, आप चाहे किसी भी कोचिंग में कर लेना, उस तरीके का जो चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे, उस लेवल का चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चाहे आप 30,000 रुपए देकर पढ़ लेना, चाहे 30-40,000 रुपए देकर पढ़ लेना, ठीक है। जो मैं चीजें करा रहा हूं, जैसे मैंने वेन डायग्राम कराया, वेन डायग्राम पढ़ के देखिए, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कराई, वो करके देखिए, पर करके तो देखिए उनमें क्या बता रखा है, आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीजें उसमें बता रखी हैं ऑलरेडी, जितना एग्जाम आता है उससे बढ़िया लेवल ही करा रखा है, ठीक है। तो उन जो प्लेलिस्ट बना रखी है उनको भी देखिए आप लोग, ठीक है। तो बस इसमें यही है कि बी का सी से क्या संबंध होगा, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो दोस्तों बी का सी से क्या संबंध है, बी जो है दोस्तों पुत्री होगी, डॉटर, क्या लगेगी, पुत्री, डॉटर, ठीक है। तो इस तरीके से संबंध आते हैं, जैसे हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या संबंध है, तो बी दोस्तों बहन होगी, ठीक है।
इस तरीके से रिलेशन निकल के आते हैं। ऐसे ही वो ई के साथ पूछ लिया, ई का ए का ई से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटिव टू ई पुत्र, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई पुत्री डॉटर। ठीक है, इस तरीके से इसमें जितनी भी वैरायटीज थी वो हम सब ने डिस्कस की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों ब्लड रिलेशन के जो टाइप सेकंड है उनसे रिलेटेड ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और जल्दी आपका देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि जो सिलेबस है वो मेरे से जल्दी हो नहीं पा रहा, मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि दो तीन दिन में एक वीडियो मिल पाता है मुश्किल से भाई। सभी व्यवस्थाएं हैं और मैं कोशिश अब ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का ये डाल दूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक बार इसको आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है ई इज सन ऑफ ए। देखिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा इसको, हिंदी में मैं आपको बोल के बता दूंगा इसका। ठीक है, ई इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ बी, ई इज मैरिड टू सी एंड सी इज डॉटर ऑफ बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। और ऑप्शंस है हमारे ब्रदर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अंका, यानी ब्रदर यानी भ्राता, फादर इन लॉ यानी ससुर, ब्रदर इन लॉ यानी होता है दोस्तों मीनिंग होता है साला, और अंकल यानी चाचा, चाचू चाचू जिसे हम कहते हैं। हिंदी वाले देखिए दोस्तों, हिंदी वाले क्वेश्चन को लिखिए, ई इज सन ऑफ ए, यानी कि जो ई है ई ए का पुत्र है, डी इज सन ऑफ बी, डी बी का पुत्र है, ई इज मैरिड टू सी, ई सी से विवाहित है, और सी इज डॉटर ऑफ बी, यानी कि होता है दोस्तों सी बी की पुत्री है, तो डी का ई से क्या संबंध है। एक बार दोबारा से लिख लीजिए, ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ई सी से विवाहित है, और सी बी की पुत्री है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा, डी का ई से क्या संबंध होगा, सॉरी डी का ई से क्या संबंध होगा। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ही आसान सी बात है दोस्तों। देखिए इन सवालों में जो पजल रिलेशंस के क्वेश्चन है, आप आसानी से क्वेश्चन को बनाइए, वन बाय वन करके सेंटेंस उठाइए, जैसे ई इज सन ऑफ ए। अब आप पता है दोस्तों कि सन कौन है, ई है, ई ए का पुत्र है, साफ साफ बोल रहा है कि ई पुत्र है किसका, ए का। संबंध किसका बताया जा रहा है, ई का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में। तो ई जो है दोस्तों सन है, जितने भी सन होते हैं वो सब मेल होते हैं और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, जितने भी हमारे माता पिता हैं या हमारे से एक पीढ़ी ऊपर के लोग हैं उनको हम एक खड़ी हुई लाइन से दर्शाते हैं, वैसे ही यहां दर्शा दो कि भाई ई जो है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, तो पॉजिटिव साइन आएगा किसका, ए का। उसके बाद इसने कहा है डी इज सन ऑफ बी, जैसे मैंने इसी वीडियो में पिछला जो क्वेश्चन मैंने कराया, मैंने कहा कि आप लिंक ढूंढिए, तो कई बार दोस्तों एग्जामिनर लिंक भी नहीं देगा आपको, कई बार ऐसा होगा कि एग्जामिनर लिंक भी नहीं देगा आपको, तो उस केस में फिर देखिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लिंक ही नहीं दिया उसने, डी इज सन ऑफ बी। अब हम ये देख रहे हैं कि यार कहीं भी या तो ए मिल जाए, लिंक तो तब बनेगा यार जब ए या ई में से कोई मिले अपने को, तभी तो आप लिंक कर पाओगे उसको, तो ना तो इसी स्टेटमेंट में है, ना ही देखिए इसने कहा है कि ई इज मैरिड टू सी। ये दोस्तों यहां पर देखिए लिंक दे दिया इसने, ई इज मैरिड टू सी, ई सी से विवाहित है। दोस्तों अगर जिसकी थोड़ी सी भी अंग्रेजी अच्छी है वो यहां पर मेरी बात को अच्छे से पकड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये कुछ भी नहीं देता ना, अगर ये सेंटेंस भी वो देता ई इज मैरिड टू सी, इससे भी हमारे को जेंडर क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, दो चीजें बताई थी,
मैरिड विद और मैरिड टू, ठीक है, मैरिड टू के बाद जो भी आएगा वो फीमेल ही आएगी, ठीक है, ये हमारा इरर करेक्शन में भी आता है, ठीक है, और मैरिड टू, इसके टू के बाद जो भी आएगा, मैरिड टू ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है दोस्तों, मैरिड टू के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, फीमेल होगा, मैरिड विद के बाद जो भी आएगा वो मेल होगा, राम इज मैरिड टू सीता, सही है, सीता इज मैरिड विद राम, मैरिड विद मेल, मैरिड विद मेल, मैरिड टू फीमेल, ठीक है, इस तरीके से होता है, ये इंग्लिश के कंसेप्ट थे। अगर ये हमारे को ये सेंटेंस भी देता तो मैं साफ साफ पकड़ पा रहा था, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है, इसके बाद जो भी आएगा वो फीमेल होगी, यानी कि निगेटिव साइन आएगा, और इसके पहले जो भी आएगा वो क्या होगा दोस्तों, मेल होगा, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, साफ साफ है। मैरिड टू के बाद जो भी आएगा दोस्तों वो क्या होगा, क्या होगी, फीमेल होगी, फीमेल है तो नेगेटिव साइन आना ही है, सी पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और मैरिड टू के पहले जो भी आएगा वो मेल होगा, मेल पर पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है, तो इसने पहले से दे रखा है कि ये सन है, पुत्र है, अगर ये नहीं भी देता तो यहां से रिजल्ट निकल जाता, ठीक है। अब इसने ये कहा कि ई इज मैरिड टू सी, मैरिड टू सी है दोस्तों, तो ये क्या है, सी, तो सी जो है दोस्तों ये क्या है, ई की पत्नी हुई, ठीक है, पत्नी के केस में हम डबल बोन का यूज करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद कहा है एंड सी इज डॉटर ऑफ बी, सी बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है दोस्तों, सी किसकी पुत्री है, बी की, कौन पुत्री है, संबंध किसका बताया जा रहा है, सी का, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो सी जो है दोस्तों बी की पुत्री है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पुत्री को। उसके बाद यहां तक का हो गया, एक सेंटेंस हमारा बीच में रह गया था, वो लिंक अब हो जाएगा, डी इज सन ऑफ बी, यानी कि जो डी है ये बी का पुत्र है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, डी है ये क्या है दोस्तों, बी का पुत्र है, और जितने भी दोस्तों पुत्र होते हैं वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है भाई। अब जाकर के हमारा ये जो डायग्राम है ये फ्रेम हो चुका है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमें बताना है, वो पूछा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, ठीक है, डी का ई से क्या संबंध है, या डी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों संबंध किसका बताया जा रहा है, संबंध किसका पूछा गया है, डी का, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, ई के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो दोनों को पकड़ लो कहां पर है, एक तो डी यहां रहा और ई यहां रहा, ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का ई से क्या संबंध है, यानी कि जो डी है वो ई का क्या लगेगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, जब ये सी है ये इस बी की पुत्री है, और ये जो डी है ये बी का पुत्र है, तो ये आपस में भाई बहन हो गए, भाई बहन के लिए हम सिंगल बोन का यूज करेंगे, ठीक है, जब ये दोस्तों इसकी बहन हो गई, बहन का जो पति होगा वो सिंपल सी बात है यार, क्या लगेगा, जीजा लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, जीजा लगेगा, लेकिन इसने एक अगर वो पूछता दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में, वो अगर पूछता हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, मतलब अगर वो आपसे ये पूछता कि ई का डी से क्या संबंध है, वीडियो वाले देखना, ई का डी से संबंध, डी से क्या संबंध है, अगर ये लैंग्वेज वो देता है ना, तो दोस्तों इसका मतलब होगा, देखिए का के ये क्या है, संबंधवाचक है, इसके पहले जो भी आएगा उसका संबंध बताया जाता है, इसके बाद जो भी आएगा उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसका संबंध बताना है, इसके बाद जो भी आएगा इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई का डी से क्या संबंध है, तो दोस्तों ई जो है वो इसका जीजा लगेगा, ठीक है। और अब इसने क्या पूछा है, डी का ई से क्या संबंध है, तो डी की तरफ एरो घुमाइए, जिसका संबंध पूछा गया है, जिसका संबंध पूछा गया है डी का, उसकी तरफ एरो लेकर के जाइए, तो क्या होगा दोस्तों, डी ई का क्या लगेगा, साला,
और साले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर जो सी है वो दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर है। ठीक है, एक बार आप ये नोट कीजिए कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो दिए गए हिसाब क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से राइट ऑप्शन है। आप इसको देखिए, ठीक है भाई, इसको देखिए आप लोग तब तक। एक पर थोड़ा सा काम हो गया बीच में, मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको देखिए फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा काम हो गया जानना पड़ेगा। क्वेश्चन इसको ई करके वीडियो का एंड करेंगे। इसमें वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देख लेते हैं। जो दिया गया क्वेश्चन है उस हिसाब से जो लैंग्वेज बन रही है वो साफ साफ है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई साला। ठीक है, डी का ई से क्या संबंध है, साले का ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में बोले तो, ये अपना हो चुका है। अब इसमें और क्या क्या लैंग्वेज एग्जामिनर हमसे पुटअप कर सकता है, क्या क्या और पूछ सकता है वो देख लेते हैं एक मिनट में। अगर क्वेश्चन मान लो दोस्तों इस तरीके से आता है आपके पास, ये तो डी का इससे हो गया। अगर वो पूछता है दोस्तों डी का सी से क्या संबंध है, तो दोस्तों डी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों डी का, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी का ई से क्या संबंध है भाई का। इसका उल्टा देखिए, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी का डी से क्या संबंध है। तो संबंध किसका बताया जा रहा है, सी का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, डी के रेस्पेक्ट में। तो जिसका संबंध बताया जा रहा है उसके तरफ पैरों को घुमाइए। ठीक है, ये इसकी बहन हो गई, एक बार देख तो लेंगे, दिख भी रहा है नहीं दिख रहा हमको इतना छोटा छोटा। ठीक है, दिख जाएगा। ठीक है भाई, और क्या क्या पूछ सकता है। अगर वो पूछ ले मान लो आपको कि ये इसका हो ही गया, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो दोस्तों क्या आएगा साला, सॉरी हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई का डी से क्या संबंध है, तो जीजा। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो दोस्तों क्या आएगा पति, और हाउ इज सी रिलेटेड टू ई पत्नी। देखिए कितने संबंध आ गए हैं भाई, संबंध किसका बताया जा रहा है, संबंध दो ही बातों पर डिपेंड करता है, संबंध किसका बताया जा रहा है और संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, बस दो ही बातों पर डिपेंड करता है, संबंध चेंज हो जाता है जैसे यहां हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लो यहां पर अगर आता है हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ठीक है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों ये इसका क्या लगेगा, ये इसकी पुत्री है, और पुत्री का जो पति होता है वो दामाद, क्या लगता है दोस्तों, दामाद लगता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सन इन लॉ, सन इन लॉ यानी कि दामाद। ये कब आएगा, दामादा नहीं दोस्तों, दामाद होता है ना, थोड़ी इज्जत हो यार दामाद को। ठीक है, ये क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई का बी से क्या संबंध है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये पूछा है वैसे पूछेगा एग्जामिनर, नहीं, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, कुछ भी, कोई भी रिलेशन से वेरीफाई करा सकता है आपको। ठीक है, तो आपके लिए तो यार सब, मैं तो हर क्वेश्चन में आपको हर रिलेशन बता रहा हूं जो बन सकता है क्वेश्चन में, तो आप भी इस तरीके से पढ़ें और आसानी से अपना, देखिए एक थोड़ा टाइम इस तरीके से पढ़ने में लगेगा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एक बार में चीजें क्लियर होंगी और ऐसी चीजें क्लियर होंगी कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप मॉक टेस्ट देना जो भी आप परचेज करें जहां से भी करें।
ठीक है, हम तो देखिए मॉक टेस्ट लेके नहीं आ रहे हैं, मेरे से तो सिलेबस हो जाए आपका वो ही बहुत है, ठीक है। और अगर देखेंगे अगर टाइम मिला तो फिर वो भी फ्रेम करेंगे, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिलेबस पे फोकस है, ठीक है। तो ये है हाउ इज ई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई का बी से क्या संबंध है, तो दामाद सन ले लो, ठीक है। अगर दोस्तों अगर वो पूछता है हाउ इज बी, बी का ई से क्या संबंध है, तो बी का बताना है सब दोस्तों, संबंध किसका बताना है, बी का, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, ई के रेस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। तो जो पहले आएगा का के की के, उसका संबंध बताना है, जो बाद में उसका उसके रेस्पेक्ट में बताना होता है। तो दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है एक तो, ठीक है, मतलब जेंडर का मतलब दोस्तों होता है लिंग, ठीक है, कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। तो यहां पर देखिए दोनों ही केस लेकर के हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लो यहां पर हम प्लस साइन लेकर यूज करता हूं, सोल्व करता हूं, तो ये दोस्तों इसका क्या लगा, पिता लगा सी का, तो जब सी का पिता लगेगा तो इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। बी का ई से क्या संबंध होगा दोस्तों, ससुर भी हो सकता है, और अगर कोई कहेगा यार है तो मैं तो निगेटिव लूंगा, तो स्त्रीलिंग लूंगी, तो स्त्रीलिंग ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी माता लगी सी की, तो ई की क्या लगेगी, सास, ठीक है। इसको दोस्तों जैसे इंग्लिश में बोलेंगे ससुर को बोलेंगे फादर इन लॉ, ठीक है, और ये होती है मदर इन लॉ, सास, ठीक है। मैं लिख के बताऊं कि आपको दिखेगा, ठीक है। इतने देखिए बेसिक मीनिंग तो आपको देखिए तो आने ही चाहिए, आप इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आने चाहिए, ठीक है। और ये होता है दोस्तों मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ यानी सास, ठीक है भाई। इतने रिलेशन जितने भी रिलेशन थे वो हमने देखे, अब इसके साथ रिलेशन आप देख सकते हैं, ए का ई से क्या संबंध है दोस्तों, ए ई का देखिए दोस्तों यहां पर भी वही है, जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी कि अगर ई का पिता भी हो सकता है, ई की माता भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए दोस्तों ई ए का ई से क्या संबंध है, तो पिता या माता होगा, ठीक है, क्या होगा, पिता या माता। अगर वो पूछता है कि सी का ए से क्या संबंध है, तो वही सास या ससुर होगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, ठीक है भाई, बस यही पॉसिबिलिटीज हैं, यही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके का रिपीटिशन चलता है। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, थोड़ा काम भी था, ठीक है, अगले वीडियो में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन लेंगे और बढ़िया सा तब और डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन का विराम देते हैं दोस्तों, और बस मैं तो यही कहूंगा कि यार आप लोग पढ़िए, अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को लेकर के जाइए, ठीक है, उनका भी थोड़ा फायदा मिले उनको भी, ठीक है, और आप पढ़ते रहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन का एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।